आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे टीएस ग्रेवाल के एडमिशन चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बताऊंगा, समझ में बिल्कुल आएगा, क्योंकि बच्चे मैंने देखा काफी सारे गलती इसमें कर रहे हैं। तो सब फटाफट से क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के हाईलाइट्स पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन दूंगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं, और फिर इसे मिलकर करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में दो पार्टनर है हमारे पास, अरुण और विजय, जो कि यहाँ पे शेयरिंग रेशियो जिनका कितना है 3:2 है। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है जिसमें लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है। एसेट में कहते हैं इनके पास जो मशीन है उसकी कीमत कितनी लिखी है, 2,00,000 रुपए लिखी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इफ द वैल्यू ऑफ द मशीन इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस, कितना एक्सेस, 33.3%। तो कहते हैं ये इतनी ज्यादा लिखी है वैल्यू, यानी कि आप एग्जांपल से समझो, मैं आपको कह रहा हूं हमारे अकाउंट्स में आप और मैं मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं जिसमें हमारी मशीन की कीमत लिखी है 1,00,000 रुपए, लेकिन हमने अकाउंटेंट से दोबारा चेक कराया तो हमारे अकाउंटेंट ने बताया जो मशीन की कीमत हमारे अकाउंट्स में 1,00,000 रुपए लिखी है वो 70,000 रुपए ज्यादा लिखी है। तो ओरिजिनल कीमत क्या हुई हमारी मशीन की, तो आप बोलोगे सर 30,000 हुई, 30,000, राइट। क्यों, आपने क्या करा, 1,00,000 जो गलत लिखी है उसमें से जो हमने ज्यादा लिखी है वो आपने क्या करा, माइनस कर लिया 70,000, तो बचा रिमेनिंग क्या 30,000, तो वही हमारी ओरिजिनल कीमत हुई। चलो वहां तो हमने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी तो माइनस कर लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि परसेंटेज में गिवन है, अब क्या करें। तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें परसेंटेज केस में हमें क्या करना है, ठीक है। हमने कितनी परसेंट ज्यादा वैल्यू लिख दी है जिसके कारण 2,00,000 आ रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। हमारे पास एक वैल्यू है जो कि x है, हमें पता नहीं है जिसमें हमने कितनी वैल्यू ऐड करी है, हमें पता है कि 33.3% हमने ऐड करी है, तो वो बन गया कितना, 2,00,000 रुपए, ठीक है। अब हमें इसे में आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें कि हमें यहाँ पे लिखना है x प्लस 3, 3 और 9, इसमें क्या करना है, तो सॉल्व कराना है, 33 × 3 कितना होगा हमारा 99, 99 + 1 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 100/3 जिसमें परसेंटेज का साइन है हमारे पास, राइट। आगे से और सॉल्व करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास x प्लस 100/3 परसेंटेज का साइन है, तो मतलब एक और 100 आ जाएगा अपॉन में, और इसमें क्या आ जाता है, जब हम यहाँ पे एक और 1 अज्यूम करना पड़ता है, हमें 4 डिजिट चाहिए होती है, अगर कभी 3 डिजिट आ जाए और चौथी हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे 1 अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट एंड फर्स्ट डिजिट है उनको मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, यानी कि फोर्थ डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड डिजिट है और उसे थर्ड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास इक्वल्स टू में कितना है, 2,00,000 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि x प्लस 100/3, मैंने कहा था 1 की मल्टीप्लाई 100 से करानी तो मल्टीप्लाई 1, मैंने कहा था 100 के मल्टीप्लाई 3 से कराने तो यहाँ पे 3 के आगे 100 से मल्टीप्लाई कराने के लिए लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू में कितना है, 2,00,000 रुपए है मेरे पास, है ना। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 100 से 100 कट हो गया, तो अब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचा x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2,00,000 रुपीज, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू बची, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं फटाफट से। मेरे पास वैल्यू जो बची थी वो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू बची है वो बची है x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2,00,000 रुपीज, ठीक है। अब हमने इतना लिख दिया, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ x के नीचे 1 अज्यूम करते हैं और फटाफट से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा कितना, 3, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, प्लस करेंगे कितना, 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स, 1 टाइम, और उसकी मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2,00,000, ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4x हो जाएगा, 4x/3 इक्वल्स टू कितना, 2,00,000। अब हमें इसे और सॉल्व करना है तो हम कितना करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2,00,000 से कराएंगे, है ना, 4x इक्वल्स टू 2,00,000 मल्टीप्लाई विद 3, तो कितना आएगा हमारे पास, 6,00,000 आ जाएगा, और यहां पे कितना है, 4x है, फिर ये x यहीं रह जाएगा, 6,00,000/4, ठीक है। अब कितना आएगा हमारे पास, आप बोलोगे सर ये तो हम सिंप्लीफाई बहुत आसानी से कर लेंगे, तो कितना आएगा, हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करते हैं फटाफट करने के लिए, ठीक है, आपको ताकि समझ में भी आए। यहाँ पे बचेगा 3,00,000, फिर यहाँ पे बचेगा 2, फिर आप इसे और कट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बचेगा 1,50,000, है ना।
तो एक्चुअल कीमत क्या निकल गई हमारी मशीन की, 1.5 लाख रुपए, यानी कि कितनी ज्यादा थी, 50,000 रुपए ज्यादा थी। ठीक है, तो हमारी जो मशीन की कीमत निकली है इस क्वेश्चन में वो निकली है 1.5 लाख रुपए। कैसे निकली है उसका मैंने आपको पूरा तरीका बताया है, होप करता हूँ समझ में आएगा। ये मेथड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो समझ में भी आ जाएगा, याद भी रह जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आएगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का हैंडल शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करें, मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ का लॉन्ग टर्म में पार्ट बने रहेंगे, एक दूसरे पे साथ रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।